मैगी तो लोग अक्सर घरों में बनाते हैं, लेकिन आज हम एकदम नए और अनोखे अंदाज में मैगी बना के तैयार करेंगे। आज हम लेज से मैगी बनाने जा रहे हैं। एक बार इस रेसिपी को आपने बना लिया तो आपको इतनी ज़्यादा पसंद आएगी कि हर बार आप इसी तरीके से बनाएंगे। चलिए तो इसे बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आशाज स्पेशल किचन। चलिए तो इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई को गैस की फ्लेम पे रख लेते हैं। इसमें ऐड कर लेते हैं ऑयल। तो मैंने इसमें 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। आप इसकी जगह पे बटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये गर्म हो गया है और इसके बाद मैंने 3 से 4 लहसुन की कलियाँ ली थी, उनके मैंने देखिए बारीक बारीक पीस कर लिए, उसको मैंने इसमें ऐड कर लिया है। इससे बहुत टेस्टी ये मैगी बन के रेडी होती है। अगर आपको लहसुन पसंद नहीं हो, आप नहीं खाते हो, तो आप इसे पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। और इसके बाद 2 से 3 हरी मिर्च के भी मैंने बारीक बारीक पीस कर लिए थे, उसको भी मैंने इसमें ऐड कर लिया। ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी चटक जाएं और उसके बाद हम डाल लेते हैं इसमें प्याज। तो मैंने 1 मीडियम साइज का प्याज लिया था, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। तो इसको हल्का सा इनके साथ डाल के हम पहले फ्राई कर लेते हैं। चलिए तो देखिए, ये प्याज लहसुन और हरी मिर्च को हमने हल्का सा भून लिया। इसके बाद 1 मीडियम साइज की मैंने गाजर ली थी, इसके भी मैंने बारीक पीस कर लिए, इसको भी इसमें ऐड कर लेते हैं। इनको भी हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। हमें सब्जी को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं, ना ही इनका बहुत ज़्यादा कलर चेंज करना है। इसके बाद मैंने 1 मीडियम साइज का टमाटर लिया था, इसे भी मैंने छोटे पीस में काट लिए। इनके मैंने बीज निकाल लिए थे, सिर्फ मैंने इसका गुदा डाला है। और देखिए, इस तरह से आप कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं इस जगह पर। आपको जो भी पसंद हो या आपके घर में जो भी सब्जी रखी हो, इससे ना बहुत ही हेल्दी भी मैगी बनके रेडी होती है, बहुत कलरफुल बनती है। तो देखिए, इसे हमने हल्का सा भून लिया है। अब इसके बाद इसमें हम मटर भी ऐड कर रहे हैं। तो मैंने ये फ्रोज़न मटर ली है, तो छोटी कटोरी से मैंने 1 कटोरी ये फ्रोज़न मटर इसमें ऐड कर ली है। चलिए तो देखिए, ये सब्जियां हमने हल्की सी भून ली है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, मैंने डाली है 1/2 चम्मच। सिर्फ थोड़ा सा इसमें कलर आ जाएगा। और थोड़ी सी मैंने 2 से 3 चुटकी हल्दी डाली, बहुत ज़्यादा हल्दी डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ये होता है कि मिर्च डालने से ना कलर भी आ जाता है। और देखिए, हरी मिर्च भी हमने डाली है तीखेपन के लिए, तो उससे तीखापन तो आ ही जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लेते हैं, जिससे कि इन सब्जियों में नमक का फ्लेवर आ सके। अब चलिए देखिए, ये सारी चीज़ें हमारी भून चुकी है, मसाले भी भून गए। इसके बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो देखिए, इस जगह पे मैं 1 से 2 कप नाप के इसमें पानी ऐड कर लेती हूँ। इससे ज़्यादा आप ना डालिएगा। 2 कप डालने के बाद हल्का सा इसको हम घुमा लेते हैं और इसके बाद इसमें उबाल आ जाने देते हैं। उबाल आने तक हमें इसी तरीके से पकने देना। तो देखिए कितना अच्छा उबाल आ रहा है। और अब इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, देखिए मैंने नूडल के 2 पैकेट लिए थे मैगी नूडल के, और इसको मैंने इसी तरीके से अभी ऐसे ही डाल दिया, तोड़ा नहीं है। और 2 पैकेट मैंने डाल दिए, 2 पैकेट डाले हैं, इसलिए मैंने इसमें 2 कप पानी ऐड करा है। देखो परफेक्ट इस तरह से बनते। अब देखिए, 1 मिनट के बाद हम इनको ना खोल लेते हैं। मैगी ना बिल्कुल लंबी लंबी रखेंगे, इनको तोड़ेंगे बिल्कुल नहीं। तो इसको आप डाल लीजिए, 1 से 1.5 मिनट बाद देखिएगा अपने आप इस तरह से खुल जाती है। और इनको हम खोल के पकाएंगे, इन्हें अब ढकना नहीं है हमें। और इस जगह पर अब मैं इसमें मैगी मसाला ऐड कर लेती हूँ। तो ये 2 पैकेट है, तो 2 पैकेट मैगी मसाला भी इसमें ऐड कर लेते हैं इस स्टेज पे। अब देखिए, मैगी मसाला ऐड करने के बाद यहां पर मैं 1 चम्मच टमाटो सॉस डाल रही हूँ। आप यहाँ पे ना टमाटो सॉस के साथ शेजवान सॉस भी डाल सकते हैं, या टमाटो सॉस ना डालना तो सिर्फ शेजवान सॉस भी डाल सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और चटपटी इस तरह से मैगी बनके रेडी होती है। अब इस सॉसेस को डालने के बाद इसमें मिक्स कर लेते हैं और इस तरह से हम पकने के लिए रख देते हैं। ये जो है, आपको मैगी जब बनानी है ना, तो ऐसी नहीं बनानी है कि बिल्कुल ही गल जाए, तो वो अच्छी नहीं लगती। थोड़ी सी खड़ी खड़ी सी मैगी बनेगी ना, तो बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। तो इस तरह से देखिए, हमने पका लिया और पानी देख रहे हैं आप, इसका लगभग सूख गया है और ये मैगी भी हमारी बिल्कुल पक चुकी है। इससे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, ये मैगी तो हमने बना के रेडी कर ली है। और इसके बाद एक ले लेते हैं सर्विंग प्लेट। तो मैंने एक ये छोटी सी ट्रे ले ली है, इसमें मैगी नूडल्स को जो है सर्व कर लेती हूँ। सबसे पहले गर्मा गर्म इस तरह से सर्व कीजिए आप पहले। तो
आपने अक्सर देखा होगा फ्रेशर्स हों या बच्चे हों, जब भी उन्हें भूख लगती है ना तो वो नूडल की डिमांड करते हैं। तो इस तरह से आप नूडल बनाइएगा ज़रूर, उनका पेट भी भरेगा और उनका मन भी खुश हो जाने वाला है। तो देखिए इस तरह से बनाइए हेल्दी तरीके से, जिससे कि उसके कोई नुकसान ना पहुँचे हमारे बच्चों को, और इस तरह से हेल्दी भी बना रहे मैगी। और देखिए इसको हमने सर्व कर दिया एक ट्रे में। इसके बाद जो लेज मैंने लिया है ना, चिप्स लेस के पैकेट, उस पैकेट में से मैं चिप्स निकालती हूँ और एक एक मैं नूडल की ट्रे में रखती जाती हूँ। आप चाहे तो थोड़े से लेज लीजिए और उसका चूरा सा बनाइए मोटा मोटा, और इस तरह से आप इसके ऊपर डाल लीजिए और मिक्स कर लीजिए, फिर खाइए। आप देखिएगा इस नए अंदाज़ में जब आप नूडल बच्चों को बना के खिलाएंगे ना, तो हर कोई बहुत ज़्यादा पसंद करने वाला है और बहुत ज़्यादा इस तरह से टेस्टी नूडल लगते हैं। शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि इसमें क्या खास है, नूडल बना के हमने चिप्स को इस तरह से रख लिया है और खा लिया है, लेकिन आप इस अंदाज़ में जब बनाएंगे ना तो आपको बिल्कुल यूनिक स्टाइल की मैगी लगेगी। और जब आप इस तरह से किसी को भी खाने को देंगे तो हर कोई बड़े शौक से खाएगा, और एक बार आप खा के देखिएगा ज़रूर, उंगलियाँ ना चाटते रह गए तो फिर आप कहिएगा। फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आप ज़रा से भी पसंद करते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरीके के वीडियोस आगे भी देखते रहना चाहते हैं या मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में होता है। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं। नमस्कार।